हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। गाइज, एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एंड आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को एड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, ठीक है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमें जाना है ऑल फोटो के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले कर लेते हैं आप अपनी फोटो के अंदर लाइटिंग को एडजस्ट। तो हमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पर, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड गाइज एक्सपोजर है इसको हल्का सा इंक्रीज करना है हमें, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं एंड गाइज कंटेस्ट है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड फिर है गाइज हाईलाइट, इसको हल्का सा इसको भी इंक्रीज करना है। एंड गाइज शेडो है इसको हमें डाउन करना है, ठीक है। सिंपली हमें इसको इतना कर लेना है। एंड गाइज व्हाइट है इसको भी हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज फिर है ब्लैक्स, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज फिर हमें करना है यहाँ पे कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो हमें जाना है यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड अब हमें जाना है गाइज मिक्स वाले टूल पे, ठीक है। एंड सेकंड वाले कलर हमें यहाँ पे ऑरेंज पे आ जाना है। एंड गाइज सेचुरेशन है इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज ल्यूमिनेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज आपको इतना कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर येलो पे आना है। एंड गाइज इसकी हुई है इसको बिल्कुल माइनस हमें 100 कर लेना है। एंड गाइज सेचुरेशन है इसको भी हमें माइनस 100 कर लेना है। एंड गाइज फिर है ल्यूमिनेंस, इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है, तो सिंपली हम इसको इतना कर लेते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वाले कलर हमें यहाँ पे ग्रीन पे आ जाना है। एंड गाइज इसके अंदर है ह्यू, इसको भी हमें डाउन करना है, माइनस हमें 100 कर लेना है। एंड गाइज सेचुरेशन है इसको भी हमें माइनस 100 में कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज ल्यूमिनेंस है इसको हल्का सा हमें इंप्रूव करना है, तो सिंपली हम इसको इतना इंप्रूव कर लेते हैं। एंड गाइज फिर हमें जाना है एक्वा कलर पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको हमें फुल माइनस कर लेना है ह्यू को, ठीक है। फिर हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज फिर हमें आना है इस वाले टूल पे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है ग्लोबल का, हम यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड ग्लोबल पे हमें आ जाना है। एंड गाइज व्यू है इसको हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज हमें इतना कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज सेचुरेशन है इसको भी हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस को हमें डाउन करना है, तो गाइज सिंपली हमें इसको इतना कर लेना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है। एंड गाइज अब हमें जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे टेक्सचर गाइज इसको हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज क्लैरिटी है इसको भी हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इतना कर लेना है। एंड गाइज डे हेज है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली हम इसको इतना कर लेते हैं। एंड विग्नेट को हमें डाउन करना है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज फिर नेक्स्ट हमें इस वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है, डिटेल्स के ऑप्शन पे, तो शार्पनिंग को इंक्रीज करना है एंड रेस को हमें फुल करना है। एंड फिर इसके बाद आता है नॉइस रिडक्शन, इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है, डिटेल्स को हमें फुल करना है। एंड इन दोनों को हमें फुल कर लेना है, ठीक है, डिटेल्स को और स्मूथनेस को। एंड गाइज आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। गाइज हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक इसके अंदर हमें PNG को ऐड करना है, तो सिंपली हमें इसे स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे शेयर टू पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज इसको हम स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज अब हमें यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड अब हमें आना है यहाँ पे वाइट बैलेंस पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज इसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड फिर है टिन, इसको भी हल्का सा हमें इतना कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज फिर हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज फिर हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अब हमें आना व्यू एडिट्स पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड वाइट बैलेंस पे हमें आ जाना है एंड यहाँ पे हमें ब्रश पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड हमें इनवर्ट पे हमें आ जाना है। एंड गाइज हमारे फेस के ऊपर इसको रफ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रफ कर लेते हैं। एंड गाइज सिंपली हमें यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज फिर हमें यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड गाइज फिर हमें वापस आना है पेंसिल वाले आइकन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड अब हमें जाना है यहाँ पे विंटेज पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड गाइज ब्राइटनेस का इसको हल्का सा हमें इंक्रीज करना है एंड सेचुरेशन गाइज इसको हमें सिंपली इतना कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड गाइज फिर है यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्टाइल स्ट्रेंथ, इसको भी हल्का सा हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। एंड फिर है विग्नेट स्ट्रेंथ, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड गाइज फिर हमें यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज इसके अंदर हम कलर पैनल को ऐड कर लेते हैं, तो सिंपली हमें आना है यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड डबल एक्सपोजर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज फिर हमें आना है यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड गाइज ये कलर पैनल है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको हमें कर लेना है ओवरले, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ओवरले कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। एंड गाइज फिर हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड व्यू एडिट्स में आ जाना है, ठीक है। फिर हमें डबल एक्सपोजर पे आ जाना है एंड ब्रश पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज फिर हमें अपनी जो क्लॉथ है उसके ऊपर हमें रफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले इसको 100 कर लेना है, फिर हम इसको ऊपर रफ कर लेते हैं। एंड गाइज इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे डन कर लेना है एंड फिर हमें बैग आ जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक और PNG को ऐड करना है,
तो सिंपली हमें यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड डबल एक्सेलर पे हमें आ जाना है, ठीक है। फिर प्लस वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है एंड अपनी पीएनजी है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस पीएनजी हमारी आ चुकी है, तो सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको हमें करना है ऐड, ठीक है। ऐड कर लेना है एंड यहाँ पे बैग आ जाना है एंड सिंपली इसको राइट डन कर लेना है। अब गाइस हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अपने फेस को हमें स्मूथ बना लेना है, ठीक है। लाइटिंग कर लेनी है तो इसके लिए हमें सेलेक्ट टू टूल पे आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने फेस के ऊपर इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं एंड सर्कल बना लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एंड गाइस फिर हमें यहाँ पे ब्राइटनेस इसको इंक्रीज करना है एंड कंटेस्ट को हमें हल्का सा डाउन करना है एंड सेचुरेशन को इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर हमें वापस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अपने हैंड के ऊपर इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें लाइटिंग को इंक्रीज करना है तो सिंपली इसकी ब्राइटनेस को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे कंटेस्ट है इसको हमें हल्का सा इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं एंड सेचुरेशन को हमें हल्का डाउन करना है एंड स्ट्रेंथ एंड एंड गाइज स्ट्रक्चर है इसको भी हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज आप देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइज सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं, तो सेव वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। आई होप गाइज यार एडिटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।